हाई गाइज वेलकम टू ICSE टेंथ सो दिस इज आद्रिका एंड आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे कौन से टिप्स हैं और कैसे तुम अपने इंग्लिश लिटरेचर के आंसर्स को कैसे लिखना चाहिए तुम्हें कि जिससे तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं एंड मतलब ये बहुत ही अच्छी मतलब टेक्निक है इंग्लिश लिटरेचर में आंसर्स को लिखने की ठीक है और ऐसे ही तुम अपने आंसर्स लिखने हैं इससे तुम्हारे श्योरली तुम्हें मतलब तुम्हारे मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे इनसे और मतलब तुम्हें क्या करना है देखो यार तुम्हारा तुम अपने आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो एग्जामिनर का ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड श्योरली अगर तुम इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे ठीक है अपने इंग्लिश स्ट्रेचर के पेपर में देखो यार ये सारी चीज़ें मैंने भी अपने लास्ट ईयर फॉलो करी थी एंड मेरे नाइन्टी फाइव आए थे आउट ऑफ हंड्रेड तो इसीलिए यही सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ या तो मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आंसर्स कैसे तुम्हें आंसर्स लिखने गंगे लिटरेचर में ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं कहूँ तुम्हें तो यार तुम्हें जो आंसर्स करने लिखने अपने आंसर्स वो तुम्हें टू द पॉइंट लिखने ठीक है टू द पॉइंट यानी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा उसमें एग्जैगरेशन नहीं करना और फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी जितना तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तुम्हें उतने ही चीज़ों का आंसर करना है सिर्फ ठीक है बाकी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालने की तुमने तुमसे कुछ पूछा गया तो इधर उधर सबकी इन्फॉमेशन उसमें डाले दे रहे हो ठीक है तो फर्स्ट चीज़ तुम्हारी आती है टू द पॉइंट टू द पॉइंट आंसर्स लिखने तुम्हें अपने ठीक है यहाँ पे यार देखो तुम कितना ज़्यादा लिख रहे हो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि तुमने सपोज करो थ्री मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत एक वन पेज लिख दिया तो वो सब मैटर नहीं करेगा कि तुमने कितना लिखा ये सब नहीं तुमने कितना अच्छा लिखा ये मैटर करेगा यहाँ पे ठीक है सपोज करो तुम थ्री मार्क्स का कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो, तो तुम उसमें से सिक्स सिक्स लाइन्स तक का लिखो या अगर तुम फोर मार्क्स का कर रहे हो तो उसमें तुम एट लाइन्स का करो एट टू टेन लाइन्स ठीक है इससे ज़्यादा तुम मत लिखो उस पर्टिकुलर आंसर में वरना बहुत ज़्यादा अगर तुम उसमें ज़्यादा लेंथ लेंदी करोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा ठीक है।, है एक तो तुम्हें अपना पहले पूरा पेपर भी कम्प्लीट करना है और मतलब इंग्लिश लिटरेचर भी तुम्हारे एक लेंदी सब्जेक्ट्स में से ही एक है जैसे हिस्ट्री हो गया इंग्लिश लिटरेचर हो गया इसमें तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है और मतलब अगर तुमने टाइम सही से मैनेज नहीं करा सपोज करो तुमने एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो फिर तुम अपने रेस्ट ऑफ द आंसर्स जो तुम्हारे होंगे उसमें तुम्हें प्रॉब्लम आएगी ठीक है क्योंकि ये सारे तुम्हारे लेंदी सब्जेक्ट्स हैं और इसमें तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा ठीक है तो टू द पॉइंट आंसर्स लिखो ये सबसे अच्छी चीज़ है और एग्जामिनर भी तुम्हारे आंसर्स में यही चीज़ देखना चाहता है ज़्यादा तुम एग्जाग्रेशन करोगे तो इतना मतलब एग्जामिनर के पास कोई टाइम नहीं है कि तुम्हारे इतनी सारी आंसर शीट्स चेक करनी होती तो तुम इतना ज़्यादा लिखोगे लेंदी तो वो सब तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ठीक है तुम अपने मार्क्स को लूज कर दोगे इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ टू द पॉइंट आंसर्स लिखना है सेकेंड चीज़ जो तुम्हारी आती है कि इससे तुम्हारे जो क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन सपोज करो थ्री मार्क्स का तो उसमें तुम्हारे टू थ्री पार्ट्स दिए होते हैं क्वेश्चन में ठीक है टू थ्री पार्ट्स क्वेश्चन में दिए होते हैं एक मिनट को मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसमें जिससे तुम्हारे लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है तो जैसे ही सपोज करो ये क्वेश्चन है ठीक है तो व्हाट इज द फर्स्ट वाला क्वेश्चन है तो इसमें देखो व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट चाइलॉक आस्क फॉर व्हाई वाइड एसपोशन रिफ्यूज टू गिव इट टू हिम ठीक है तो मतलब पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन में तो इस, तो इस तरीके से अगर तुम्हें पह, अगर तुम्हें पहला तुमने क्वेश्चन का सपोज करो आंसर दे दिया तो तुम उसी उसी से नहीं उसी लाइन से नहीं कि तुमने सेकंड पार्ट भी आंसर करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है तुमने फर्स्ट अपना आंसर कर दिया फिर उसको प्रॉपर नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ अपना छोड़कर नेक्स्ट लाइन से उस सेकेंड वाले पार्ट का आंसर करना है तुम्हें, पहला तुम्हें, पहला तुम्हें, पहला तुम्हें, पहला तुम्हें ठीक है सब कुछ उसमें एक ही में सब घिच पिच नहीं कर देनी है ठीक है तो ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट था एक मतलब क्लैरिटी रखने अपने आंसर्स में एक सही तुम्हें हैंड राइटिंग रखनी कि मतलब एग्जामिनर को एक ही बार में चीज़ समझ में आ जाए उससे ज़्यादा ज़्यादा उसे वो ना करना पड़े उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े तुम्हारी आंसर शीट को रीड ही करने में ठीक है तो इसलिए तुम्हें एक अपनी साफ हैंड राइटिंग गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए तुम्हारी पेपर की और नेक्स्ट पैराग्राफ से तुम्हें लिखनी है चीज़ें ठीक है नेक्स्ट पार्ट है तो उसे नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो और अपने हर एक आंसर के बाद एक लाइन को मतलब लीव करके ही नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसको आंसर करना ठीक है उसमें लाइन ज़रूर लीव करना सब कुछ एक ही में लिख दोगे तो वो बिल्कुल ऐसे जैसा लगेगा तुम्हारा और वो बिल्कुल ठीक नहीं है एग्जामर को एकदम सही से तुम्हारे आंसर तुमने क्या लिखा है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए ठीक है तो ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट हो गया क्स्ट क्वेश्चन फिथ में जैसे तुम आंसर्स लिखोगे तो उसमें तुम्हें जो तुम्हारी बुक की लाइन्स है एग्जैक्ट लाइन्स तुम्हारी बुक की हैं जो डबल कोर्स में लिखी होती है तो वो वाली वो लाइन्स तुम्हें अपने आंसर्स में डालनी है ठीक है ये चीज़ मैंने भी करी थी और मतलब तो ये बहुत ही अच्छा वे होता है आंसर्स को लिखने का तुम जैसे अपनी बात को एक्सप्लेन तो कर ही रहे हो साथ में क्वेश्चन की क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हो उसे आंसर लिख रहे हो उस चीज़ का बट तो उसके साथ अपनी बुक की जो लाइन है या फिर देखो जो तुम्हें तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दिया होता है पूरा ठीक है जैसे उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट से ही तुम उसकी लाइन्स उठा के अपने आंसर्स में डाल सकते हो ठीक है जैसे तुमने कोई चीज़ तुमसे क्वेश्चन पूछा तुमने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया और जो लाइन जो कॉन्टेक्स्ट की जो लाइन तुम्हें उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही है वो लाइन भी तुमने एक्जैक्ट उसमें डाल दी ठीक है तो ये बहुत ही इफेक्टिव वे है और ये तुम्हें करना है ठीक है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये तुम्हें करना है ठीक तो है ठीक है तो ये तुम्हारी थर्ड चीज़ आ गई एग्जैक्ट लाइन फ्रॉम द कॉन्टेक्स ठीक है इसीलिए अपनी टेक्स्ट बुक की रीडिंग भी जरूर लगाना क्योंकि टेक्स्ट टेस्ट बुक से वर्क बुक ही नहीं इंपॉर्टेंट टेक्सट बुक भी उस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट चीज से तुम्हारे एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें हु से टू हुए क्वेश्चन तुम कब तभी कर पाओगे जब टेक्स्ट तुम्हें अच्छे से पता होगा और इसलिए आंसर्स के साथ भी यही है कि तुम उसके आंसर्स के में से वो लाइंस भी तभी लिख पाओगे जब तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा कुछ लाइंस तो तुम याद कर सकते हो और कुछ लाइंस के लिए तुम अपने कॉन्टेक्ट का यूज़ कर सकते हो है ना फिर एक पॉइंट इसमें तुम्हारा ये भी आता है कि तुम अपनी राइटिंग बहुत अच्छी लगी है ठीक है गुड हैंड राइटिंग सारे आंसर्स में तुमने तुम्हें अपनी राइटिंग बहुत ही अच्छी करनी है और इसीलिए यार देखो अगर तुम राइटिंग अच्छी रखोगे ना तो एग्जामिनर को एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तुमने क्या क्या लिखा है और जिससे थोड़ा सा अपने लैंग्वेज जब सॉरी लिटरेचर का पेपर जब लिखना तो उसे थोड़ा सा स्पीड में लिखना ताकि तुम सारे आंसर्स तुम अच्छे से लिख भी लो और राइटिंग में अच्छी रख लें और तुम्हारा टाइम से पेपर भी कंप्लीट हो जाए क्योंकि हमने मैंने ये देखा है कि जैसे मेरे साथ भी होता था कि जैसे पहले जब प्रिलियम्स वगैरह एग्जामिनेशन ये सारे होते थे तो उसमें जैसे पहले तुम अच्छे अच्छे राइटिंग लिखते हो लेकिन जैसे तुम्हारा टाइम होने लगता है और टाइम जैसे तुम्हारा पहल होने वाली होती है यानी टाइम ओवर हो हो होने वाला होता है तो फिर राइटिंग अजीब सी आने लगती है ठीक है तो ये इस चीज़ को अवॉइड करना कि पहले तुमने सब अच्छे अच्छे आंसर लिखे और फिर उसके बाद तुम्हारा राइटिंग बेकार हो गई तो इस टाइस की चीज़ें मत करना स्टार्टिंग से ही एक स्पीड मेंटेन करके रखना और वैसे ही एक राइटिंग अपना लास्ट तक रखना अब तुम अपने तुमने अपने आंसर्स लिख लिए उसके बाद जब तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम्हें क्या करना है हर आंसर के बाद अपनी एक लाइन ड्रॉ करनी है ठीक है ताकि एग्जामिनर पता चल जाए कि हाँ यहाँ यहाँ ये वाला आंसर कंप्लीट हो गया तुमने नेक्स्ट आंसर अपना लिखना स्टार्ट कर दिया थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये ठीक है सो ड्रॉ लाइन्स ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच आंसर ठीक है फिर सिक्स चीज़ जो आती है वो ये है कि तुम्हें जैसे सपोज करो तुम्हारा पहले तो मैं ड्रामा पहले दिया होता है उसके बाद तुम्हें पोइट्री दी होती है पोइट्री नहीं सॉरी प्रोज दिया होता है यानी शॉर्ट स्टोरीज दी होती है और उसके बाद लास्ट में तुम्हें पोइट्री दी होती है ठीक है तो तुम उसको सीरियल ऑर्डर में ही अपना अटैम्प्ट करना सपोज करो तुम्हें ड्रामा का एक करना है ठीक है तो तुम्हें पोइट्री के दो करने हैं और प्रोज का एक करना है तो तुम जैसे तुम्हारा ड्रामा पहले लिखा होता है, तो ड्रामा का पहला वाला, वाला क्वेश्चन करना फिर तुम्हारा ड्रामा कंप्लीट हो गया उसके बाद तुम पोइट्री नहीं पहले प्रोज जो लिखा है वही उसे ही करना अटैम्प्ट सपोज करो तुम्हें बीच में कोई आंसर नहीं आ रहा है तो तुम उसे उसके लिए स्पेस छोड़ दो और फिर उसको जब तुम्हें तुम्हारा पेपर हो जाए तो तब उसी वहीं पर आके लिख दो उसको ठीक है अलग अलग आंसर मत लिखना ठीक है ऐसे एग्जामर में प्रॉब्लम होती है तुम्हारा आंसर आंसर कहाँ लिखा है उसे चेक करने में प्रॉब्लम होती है तो इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करना और सब कुछ सीरियल ऑर्डर में ही करना चाहे वो क्वेश्चन हो तुम्हारा और चाहे तुम्हारा मतलब पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन हो और चाहे उसके सब पार्ट्स हों ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सीरियल ऑर्डर तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या करना है सारे जितने भी आंसर्स है तुम्हारे उसमें तुम्हें अपने कीवर्ड्स ही डाल लिखने हैं ठीक है कीवर्ड्स लिखने हैं और ज्यादा एग्जैगरेशन नहीं करनी ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया मतलब तुम्हें क्या करना है इसमें कीवर्ड्स लिखने हैं कीवर्ड्स लिखने हैं तुम्हें कीवर्ड्स लिखने हैं और एग्जैक्ट लाइन्स लिखनी है अब जो कीवर्ड्स और एग्जैक्ट लाइन्स हैं इन दोनों को तुम्हें क्या करना है अंडरलाइन कर देना है ताकि मतलब विजिबल हो आंसर लिखने आंसर को रीड करने से पहले ये चीज़ विजिबल हो जाए कि ये चीज़ अंडरलाइन है यानी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तुमने मार्क करिए इस चीज़ को ठीक है और ऐसी लाइन्स भी तुम अंडरलाइन कर सकते हो जो तुम्हें लगता है तुमने थोड़ी सी अच्छी लाइन लिखी है और मतलब इसको एग्ज़ामिनर को देखना चाहिए और इस पर एग्ज़ामिनर का फोकस जाना चाहिए तो इस उस लाइन को भी तुम अंडरलाइन कर देना ठीक है ये चीज़ मैंने भी करी थी और इसे भी तुम करना बहुत अच्छी चीज़ है ये इसको भी अंडरलाइन कर देना तुम जो तुम्हें एग्ज़ामिनर को शो करना हो ठीक है ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ तुम ये सारे पॉइंट्स अपने कहीं पर लिख लेना और एक बार एग्ज़ाम होने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर देख लेना ठीक है नेक्स्ट चीज़ जो आती है तुम्हें अपने आंसर्स में बिल्कुल भी स्पेलिंग एरर्स और ये सब ग्रामेटिकल एरर्स ये सब ना मत करना बिल्कुल भी ठीक है एक बार सारी स्पेलिंग्स देख के जाना और थोड़ी सी टफ स्पेलिंग लगती हो उसको एक बार लिख के देख लेना एक बार अगर तुम्हें कोई टफ स्पेलिंग लगती हो ठीक है तो स्पेलिंग एरर्स में नहीं करना है एक बार पेपर होने के बाद अपने आंसर्स को चेक करना तो उसमें यह भी देख लेना कि कहीं तुमने स्पेलिंग एरर्स तो कोई नहीं कर दिए ठीक है स्पेलिंग एरर्स नहीं करनी है तुम्हें अब इंग्लिश लिटरेचर में क्या करना है तुम्हें ऐसे यार लैंग्वेज पेपर में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें तुम्हारी क्रिएटिविटी मैटर करती है बट लिटरेचर के पेपर में तुम्हें क्या करना है तुम्हें अपने ज़्यादा अपनी ओन लैंग्वेज में मत लिखना तुम्हें अपनी ओन लैंग्वेज इतना ज़्यादा मत लिखना मेन अपना टेक्स्ट जो है तुम्हारा तुम्हारी वर्कबुक का टेक्स्ट जो मेन लिखा है तुम्हारी टेक्स्ट बुक का जो टेक्स्ट है उसी को ही लिखना ठीक है तुम उसके लिए क्या कर सकते हो जैसे अपने पी वाई क्यूज़ को देख सकते हो लास्ट ईयर तुम पी वाई क्यूज़ निकालो लास्ट टेन ईयर्स के मतलब लास्ट टेन ईयर्स के देख सकते हो तुम्हें सॉल्व करने की अगर तुम सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर तुम सॉल्व नहीं कर सकते टाइम का कोई इशू है या कुछ कोई ऐसी बात है तो तुम क्या करो एक बार पी वाई क्यूज़ निकाल के एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर्स लिखते कैसे हैं ठीक है और जैसे तुम्हें अपनी बुक की लैंग्वेज के जैसे ही लिखना है जिस तुम्हारी वर्कबुक है तो उसी की उसी की लाइन्स तुम उसी की लाइन्स निकाल कर वैसे ही तुम्हें लिखना है अपने आप से ज़्यादा ओन लैंग्वेज उसमें मत लिखना ठीक है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बुकिश लैंग्वेज फिर मुझे एक मर्चेंट ऑफ वेनिस से तुम्हें एक चीज़ बतानी थी देखो यही अपना एग्जाम्पल जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया था जैसे कि अमरजेंट uh, अवेनेस में तुम क्या करना है जैसे तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका जो पहला क्वेश्चन हो जैसे कि सपोज करो ये पहला क्वेश्चन है एक मिनट को मैं इसे पुराना वाला रेज कर देती हूँ हाँ देखो जैसे तुम्हारा मर्जेंट अफेनेस का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो तो उसमें लिखा है तुम्हारा ये थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें लिखा व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट शाइलॉग आस्क फॉर एंड वाई डोर्श रिफ्यूज टू गिव इट टू हिम ठीक है तो इसको आंसर करने से पहले तुम क्या करना तुम्हें तुम्हें इसका क्या लिखना है तुम्हें इसका सीन पता होना चाहिए कि कहाँ पे वो कौन ना वेयर इज़ अ सीन टेकिंग प्लेस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो मतलब हर जैसे तुम्हारे ये पैराग्राफ लिखा है ये तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट है अब इसमें से तुम्हें ये सीरीज इसमें कौन से सीन से लिया गया है ये प्लस आ, कौन सा एक्ट है और कहाँ पर यह सीन हो रहा है ठीक है तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए ठीक है ये तो ये सारी तुम्हें चीज़ें पढ़ के ही जानी है तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले तुम ये इस बात को ही लिख देना पहले चाहे क्वेश्चन में पूछा हो चाहे क्वेश्चन में ना पूछा हो तुम पहले से ही बात लिख देना कि कहाँ का ये सीन है और और पहले इस बात को भी लिख देना कि द फॉलोइंग लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्राम कहाँ कहाँ से एक्ट फोर है कि एक्ट थ्री है ठीक है फ्रॉम द ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस ऐसे करके लिख देना तो फर्स्ट लाइन ये जरूर लिखना ठीक है uh, जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री इसके ऊपर भी क्वेश्चन था तो वो भी तुम्हारे लास्ट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का ही क्वेश्चन पेपर मैंने लिया ये तो ये लाइन्स तुमसे चाहे पूछी गई हूँ चाहे ना पूछी गई तुम इन लाइन्स को लिख देना ठीक है कौन से ऐप से लिया गया है कहाँ का सीन है ये और तो फर्स्ट मतलब ऐसे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि तुम्हें ये चीज़ देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हें ये सब पता है कि ये कॉन्टेक्स लिया कहाँ से गया है सीन कहाँ का है तो एग्जामिनर को पहले ही आइडिया हो जाएगा तुम्हें ये सब आता है ठीक है और फिर अपना इस क्वेश्चन में जो थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया ये लिख देना वट इज़ द प्रिंसिपल दैट चाइल्ड ऑफ फॉर फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है और जो क्वेश्चन पूछा हो उसका आंसर लिख देना लेकिन पहले ही चीज़ ज़रूर लिख देना ठीक है राइट तो चलो आगे बढ़ते हैं अब सो so, लास्ट चीज़ जो मुझे तुमसे कहनी थी वो ये है कि तुम्हारी जो बुक वर्क बुक में तुम्हारी थीम्स दी होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो यार तुम्हारा जो लास्ट आंसर होता है तुम ये कह सकते हो जो लास्ट क्वेश्चन होता है कि लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा स्टोरी से या फिर पोइटरी से वो इनडायरेक्टली तुम्हारा थीम से ही आता है ठीक है जनरली तुम्हारा वो थीम से ही आता है तो इसलिए मतलब थीम को लीव मत करना बाकी सारी चीज़ें तुम जैसे सारी चीज़ें पढ़ते हो जैसे वो सब फिगर और स्पीचेस ये सारी चीज़ें तुम पढ़ते हो तो उसमें ये वाली चीज़ तुम्हारी थीम्स तुम्हारी वर्कबुक में लिखी होती है तो थीम को बिल्कुल लिख मत करना ठीक है क्योंकि उसमें क्या दिया होता है एक तरीके से लेसन भी दिया होता है स्टोरी का और काफ़ी सारी चीज़ें दी होती हैं उसमें तो थीम को लीव मत करना इसीलिए ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखे दे रही हूँ थीम्स थीम्स को चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो अच्छे से लर्न करके जाना और जैसे अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट कौन से इस बार के चैप्टर्स हैं जिनकी इस बार प्रॉबिलिटी आने की ज्यादा है तो उसका वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम उसका देख सकते हो और उन सबकी थीम्स तो ज़रूरी लर्न करके जाना ठीक है और वो बुक से थीम्स जरूर लर्न करना बाकी टेक्स्ट बुक को ज़रूर अच्छे से रीड करना क्योंकि टेक्स्ट बुक से वो सेट टूम वाले क्वेश्चंस आते हैं एंड जैसे तुम लाइंस अगर मैंने बताया तुम्हें लाइंस तुम कैसे डालोगे तो उसमें तुम्हें लाइंस याद होनी चाहिए लाइंस के लिए तुम्हें टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए ठीक है ठीक है तो आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा होगा एंड इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कर रहा जो चीज़ें मैंने तो बताई हैं एंड सच में बताऊँ ये दे मतलब बहुत ही वर्क करती हैं चीज़ें एंड अगर ये वीडियो तुम्हें तो पसंद आई हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दो देखो यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चैनल को देख तो रहे हैं एंड मतलब सारे वीडियोस भी देख रहे हैं रेगुलर बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो आई रिक्वेस्ट उन तो लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ तो ऐसे और वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी इसलिए चैनल से जुड़े रहना मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय